सो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि माउस काम नहीं करता है आपका। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, कितना भी आप इस पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको माउस नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर कहीं पर भी। उसकी जगह पर अगर आप यहाँ पर ये वायरलेस डोंगल में यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि आपको माउस का कर्सर यहाँ पे दिखा सकूँ, तो आप देखोगे माउस यहाँ पे आ जाता है। माउस यहाँ पे आपको क्लियर माउस का मूवमेंट दिख रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कीपैड काम करता है लेकिन माउस काम नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए, कीपैड अच्छे से काम कर रहा है लेकिन माउस काम नहीं कर रहा है। तो इसकी रीज़न मल्टीपल रीज़न होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 सॉल्यूशन ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आपका जो माउस नहीं काम कर रहा है, जिससे आपका टच पैड का जो इशू है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमसे एक मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ पर आपकी जो फंक्शन कीज़ होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो F1, F2, ये F12 तक सारी कीज़ होती है। तो इस पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस का शॉर्टकट है, यहाँ पे प्रोजेक्टर का शॉर्टकट है। तो इन कीज़ में से कोई एक की के ऊपर आपका शॉर्टकट दिया होता है टच पैड का, या फिर कुछ कुछ लैपटॉप्स में यहाँ पर एडिशनल बटन्स दिए हुए होते हैं जिसे हॉट कीज़ कहते हैं, तो वो हॉट कीज़ प्रेस हो जाती है जिसकी वजह से आपका माउस पैड डिसेबल हो जाता है। तो इस लैपटॉप में नहीं है, मैं आपको दूसरा लैपटॉप दिखाता हूँ जिसमें वो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ हमारे पास ये दूसरा लैपटॉप है, देखिए इसका जो माउस है आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका माउस काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे माउस को माउस पैड पर रब कर रहे हो तो यहाँ पे आपका माउस काम कर रहा है। ठीक है, मैं उसे थोड़ा सा लाइट स्पेस पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको माउस काम करता हुआ दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर देखिए, ये एक आपको यहाँ पर हॉटकी दिख रहा है, ये टच पैनल होता है, इसे आप टच करते हो। जैसे ये वाईफाई का है, इस पर आप टच करोगे तो ये वाईफाई रेड हो गया, मतलब वाईफाई बंद हो गया। तो ऐसे ही ये जो है ये टच पैड का आइकन है, तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका रेड हो गया, मतलब ये आपका टच पैड यहाँ का बंद हो। अब आपका जो माउस पैड है वो काम नहीं करेगा। देखो मैं कितना यहाँ पर माउस को रब कर रहा हूँ, टच पैड को रब कर रहा हूँ, लेकिन माउस वहाँ से हल नहीं रहा है। जब हम इस बटन को वापस से इनेबल कर देंगे तो ये आपका काम करने लग जाएगा। तो कुछ लैपटॉप्स में आपको इस तरीके की हॉटकीज़ मिल सकते हैं, या ये जो फंक्शन कीज़ है इसमें से कोई की पर आपको इस तरीके का आइकन दिख सकता है। तो आप उसे जब ये फंक्शन वाली की और उस की को एक साथ प्रेस करते हो तो वो आपके बटन्स इनेबल डिसेबल हो जाते हैं। इसे पावर मैनेजमेंट के बटन्स भी कहते हैं। तो पावर मैनेजमेंट के ड्राइवर्स अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है तो ये आपके पावर मैनेजमेंट का काम करते हैं ये सारे बटन्स। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप ये हॉटकी पे चेक करें या आपकी फंक्शन कीज़ पर चेक करें कि कहीं आपके हाथ से गलती से आपका जो टच पैड है वो डिसेबल तो नहीं हो गया। अगर आपको वो बटन मिल जाता है और इनेबल हो जाता है तो आप काम करके देख लेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। फिर भी आपका अगर टच पैड काम नहीं कर रहा है तो दूसरी स्टेप के लिए आप एक USB माउस लगा ले या कोई वायरलेस माउस लगा ले, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया वायरलेस रिसीवर और ये वायरलेस माउस से मैं काम कर रहा हूँ। तो आपका माउस काम करने लगेगा और उसके बाद आपको क्या करना है, माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है और उस पर मैनेज पर क्लिक करना है आपको, या दिस PC जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके, उस पर राइट क्लिक करके मैनेज पर क्लिक करना है। विंडोज़ 7 अगर यूज़ कर रहे हो तो माय कंप्यूटर आएगा, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो दिस PC आएगा। जब आप यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, और डिवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको माउस का ऑप्शन मिलता है, माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो यहाँ पर देखिए आपको ये, यहाँ पर आपको दो टाइप के पॉइंटिंग डिवाइस दिख रहे हैं, एक HID कॉम्प्लीमेंट माउस है जो कि ये वाला है, और दूसरा जो आप PS2 कंपेटेबल माउस देख रहे हैं वो ये वाला है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ये होता है कि आप उसे राइट क्लिक करके स्कैन फॉर हार्डवेयर कर सकते हो, या आप उस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर्स कर सकते हो, सर्च ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसके ड्राइवर सर्च करके आपके PC में इंस्टॉल कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, टच पैड आपका काम नहीं कर रहा है, वो सॉल्व हो सकता है। और अगर आपके ड्राइवर्स अपडेट हो जाते हैं तो आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि रिस्टार्ट योर सिस्टम। तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट करके देख लें, उसके बाद आप चेक कर लें आपका टच पैड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहा है तो हम तीसरा सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। तो तीसरे सॉल्यूशन में आप ये करोगे कि आपको जो ड्राइवर्स ऑलरेडी यहाँ आपके पास इंस्टॉल्ड है वो ड्राइवर्स आपको अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास माउस में जो आपको ड्राइवर्स दिख रहे हैं वो ड्राइवर्स आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है, राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिलीट ड्राइवर्स का, पहली बार में उस पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ अनइंस्टॉल करना है फर्स्ट टाइम में। इसके बाद आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट के लिए पूछता है, रिस्टार्ट करना है सिस्टम। उसके बाद जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो डिफ़ॉल्ट ड्राइवर्स है उन्हें
लोड कर देता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो तीसरे अटेम्प्ट में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर नहीं होता है तो आपको यही तीसरी स्टेप वापस से करना है, और सेकेंड टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट ड्राइवर्स का एक ऑप्शन आता है, डिलीट ड्राइवर्स फाइल, तो उस पर आपको चेक कर देना है और अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो आपके जो ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में करंटली चल रहे हैं वो डिलीट हो जाएंगे और अनइंस्टॉल भी हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। मतलब जो फाइल आपके कंप्यूटर में सेव है ड्राइवर्स की वो डिलीट हो जाएंगे, जो इंस्टॉल किए हुए ड्राइवर्स थे जो फंक्शन कर रहे थे वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद जब सिस्टम आपका रिस्टार्ट होता है तो आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट ड्राइवर्स को लोड करता है और पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो टचपैड है वो काम करने लग जाए। तो ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया, इसमें अगर आपका काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो हम चार नंबर के सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। अब चार नंबर के सॉल्यूशन में आपको ये चीज़ करना है कि आपका जो लैपटॉप का मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर है उसकी वेबसाइट से आपको ड्राइवर्स डाउनलोड करना है। जैसे कि मान लो ये HP का लैपटॉप है, HP 360 मॉडल का लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर डाल देता हूँ HP X360 14BA 0XX ड्राइवर्स डाउनलोड। तो आप उसकी वेबसाइट पर से जो उसके ओरिजिनल ड्राइवर्स होते हैं अपडेटेड ड्राइवर्स वही डाउनलोड करें। तो हम यहाँ पे HP की वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये वही मॉडल है जो इस लैपटॉप का जो मॉडल है वो यहीं पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आपका विंडोज़ 10 के बजाय कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होती तो आप वो सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 10 ही है। और मॉडल नंबर भी अगर आपको चेक करना है, कन्फर्म करना है, तो आप कर सकते हो। लैपटॉप के सीरियल नंबर से भी आप आपके मॉडल को कन्फर्म कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑल ड्राइवर्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको सारे ड्राइवर्स की लिस्ट मिल जाती है। अब इस लिस्ट में आपको जो है वो कीबोर्ड और माउस के जो ड्राइवर्स है या इनपुट डिवाइस के ड्राइवर्स है, हर वेबसाइट पे अलग अलग हो सकता है, HP पे कुछ अलग हो, डेल पे कुछ अलग हो, लिनोवो पे कुछ अलग हो, तो आप देख सकते हो वहाँ पे आपको दिखाता है टच पैड के ड्राइवर्स। इनपुट डिवाइसेस में मोस्टली आपको मिल जाएगा, कहीं पर कीबोर्ड माउस हो सकता है, कहीं पे इनपुट डिवाइसेस हो सकता है, तो आपको जो टच पैड के जो ड्राइवर्स है वो आपको डाउनलोड करना है। अब इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये जुलाई 2017 का अपडेट है, उसके बाद मार्च 2017 है, उसके बाद सितंबर 2018 है, तो इसमें जो सबसे अपडेटेड ड्राइवर्स होंगे वर्जन के अकॉर्डिंग, जैसे ये 18.2.9 वर्जन है, 18.2.4 है, और यहाँ पर 21.2.17 वर्जन है, तो जो सबसे अपडेटेड वर्जन हो वो आप डाउनलोड करें, क्योंकि जो सबसे अपडेटेड वर्जन रहेगा उसमें पुराने वर्जन के जो प्रॉब्लम्स है और बग है वो फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप उस तरह के डाउनलोड ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर जो ड्राइवर्स आप डाउनलोड कर रहे हो वही ड्राइवर्स आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ड्राइवर्स मैंने डाउनलोड किए हैं, मैं उन ड्राइवर्स को यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ईलैंड टचपैड ड्राइवर्स ये बता रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो बहुत ही सिंपल, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें ड्राइवर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और ये इसका सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, देखिए ये ईलैंड टचपैड, इस तरह का देखिए टचपैड का आइकन यहाँ पे बता रहा है। अब ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं टचपैड के, तो ये ड्राइवर्स इंस्टॉल होने के बाद मैक्सिमम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं होती है तो उसके बाद हम पाँच नंबर का जो सोल्यूशन है वो ट्राई करेंगे, लेकिन पाँच नंबर का जो सोल्यूशन है वो कंडीशनल है। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, और इंस्टॉल होने के बाद ये रिस्टार्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो आप इसे रिस्टार्ट कर ले। रिस्टार्ट करने के बाद आपके जो टचपैड है वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पर सिस्टम को रिस्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए सिस्टम ये रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होते ही मैं आपको दिखाऊंगा कि टचपैड हमारा काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिस्टम यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है, और मैंने ये जो USB रिसीवर था इसे निकाल दिया है माउस का। और यहाँ देखिए मैं जब कर्सर को मूव कर रहा हूँ फिंगर से, तो ये मूव हो रहा है, और मैं यहाँ पर कोई एक माय कंप्यूटर को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, यहाँ पे माय कंप्यूटर भी टचपैड से काम हो रहा है। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो चौथी स्टेप में हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो उस केस में आपको क्या करना है,
आपको याद करना है कि कहीं आपने आपके लैपटॉप को कहीं खोला तो नहीं, कोई काम करने के लिए, क्लीनिंग के लिए। तो हो सकता है कि आपकी जो टच पैड की एक स्ट्रिप होती है, कनेक्टिंग स्ट्रिप होती है, या उसे आप वायर कह सकते हो, तो वो वायर यहाँ पर कहीं कनेक्टेड होती है कीबोर्ड के नीचे के हिस्से में। तो आपको याद करना है कि अगर आपने लैपटॉप खोला है या आपने कहीं पर लैपटॉप काम करने के लिए दिया था, लैपटॉप को खोला गया था, तो आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है। या हो सकता है आपके लैपटॉप में पानी गिर गया हो, या कोई और चीज़ हो गई हो, लैपटॉप गिर गया हो, कोई फिजिकल डैमेज वाली कंडीशन आ गई हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको आपके लैपटॉप का जो फ्रंट पैनल, आपके लैपटॉप का जो कीपैड का फ्रंट साइड होता है, उसे आपको खोलना है। अब हर लैपटॉप के खोलने का मेथड अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कीबोर्ड को निकाला जाता है बहुत सारे लैपटॉप्स में से, और उसके नीचे आपको टच पैड की स्ट्रिप मिल जाती है। तो आप एक बार चेक कर ले आपका जो भी लैपटॉप का मॉडल नंबर है, उसका डिसेंबलिंग प्रोसेस या डीअसेंबलिंग प्रोसेस आप चेक कर ले यूट्यूब पर या गूगल पर, आपको मिल जाएगा। और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप आपके लैपटॉप की डीअसेंबली करें, और उसकी जो केबल होती है, जो टच पैड की कनेक्टिंग केबल होती है, उसे आप चेक करें वो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो कनेक्टेड है तो आपका काम होना चाहिए, टच पैड काम करना चाहिए। नहीं करता है उसके बाद भी, तो आपके जो टच पैड के कनेक्टर्स होते हैं, केबल के कनेक्टर्स, उन्हें आप क्लीनिंग लिक्विड से क्लीन कर सकते हो, जैसे कि थिनर होता है, जो पीसीबी क्लीनर होता है, उससे आप क्लीन करके एक बार देख सकते हो। हमने कुछ और भी वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि कीपैड अगर आपका नहीं काम कर रहा है तो उसे कैसे क्लीन करना है या उसे कैसे सर्विस करना है, तो वो वीडियोज़ भी आप फॉलो कर सकते हो। वही सेम मेथड, खाली आपको इतना करना है कि टच पैड की स्ट्रिप को उसी मेथड के जरिए क्लीन करना है। सो होप सो फ्रेंड्स, ये मेथड आपको काम आएंगे। जिस प्रॉब्लम के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग उस पर सॉल्यूशन देने के लिए आपको ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, जो प्रोसीजर आपको बताया गया, वो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आपको आती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।